हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करूंगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हर लेडीज़ का सवाल होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पर जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसको कैसे कम करें, ऐसा क्या करें कि डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स नहीं दिखें, या डिलीवरी के बाद जो स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं उसको कैसे कम करें, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो जब धीरे धीरे फूलने लगती है तो उससे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। वो कुछ स्ट्रेच मार्क्स पिंक और रेड कलर के होते हैं और कुछ वाइट कलर के होते हैं। ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के सेकेंड से थर्ड ट्रेमेस्टर के बीच में दिखाई देने लगते हैं और 70-90% लेडीज के स्ट्रेच मार्क्स होते ही हैं। तो अब ऐसा क्या करें कि प्रेगनेंसी टाइम पर ये स्ट्रेच मार्क्स कम हो, डिलीवरी के बाद ज़्यादा दिखाई ना दे, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है कि आप जो अपनी स्किन है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए, स्पेशली पेट के एरिया को, क्योंकि पेट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, क्योंकि वही एक जगह है जो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो उसको आप अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए। उसके लिए आप नारियल तेल का उपयोग करिए, आप उसको नारियल तेल लगाइए। जब भी आपको खुजली होती है तो आप उसको नाखून से मत खुजली करिए, आप उसको किसी कपड़े के थ्रू आप उसको हल्के हल्के हाथ से खुजली कर सकते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा खुजली होती है वहाँ पे आप एवरी टाइम नारियल का तेल लगा कर रखिए, उससे आपको खुजली नहीं होगी और उससे आपका स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं होगा। तो ये एक है आपका स्ट्रेच मार्क्स कम करने का। दूसरा आता है कि आपको अपने वजन पे कंट्रोल करना होगा। प्रेगनेंसी टाइम पे 9-12 केजी वेट होना नॉर्मल बात है, लेकिन जब वेट धीरे धीरे बढ़ता है तो वो सही होता है, उससे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर वेट तेज़ी से बढ़ता है तो उससे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि ऑयली फूड खाने से भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उससे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तीसरा है कि आपको हाइड्रेट रहना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीना है। आपको डेली एक दिन में 10-12 ग्लास पानी पीना है, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी जो स्किन है वो शुष्क नहीं होगी, पानी पीने से हाइड्रेट रहेगी, तो उससे भी क्या स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे। और प्रेगनेंसी में पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा आता है चौथा, आप एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी टाइम पर कोशिश करें कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा तो उससे भी स्ट्रेस मार्क्स कम होंगे। तो आपको ज़रूर इन सब बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी टाइम पर स्ट्रेस मार्क्स कम हो और डिलीवरी के बाद भी वो ज़्यादा नहीं दिखाई दें। तो ये है कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है प्रेगनेंसी टाइम पर। आपको अपनी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज रखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं हो और डिलीवरी के बाद वो ज़्यादा नहीं दिखाई दे। इसके अलावा है कि आपको जितना भी हो सके उतना आपको लिक्विड पीना है ना। जितना आप लिक्विड पियेंगे उतना आप हाइड्रेट रहेंगे और आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। एक और बात है कि आपको है ना, आपको कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी ये कम पीनी है, ये डिहाइड्रेट करता है, इससे स्ट्रेस मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको वो बिल्कुल इग्नोर करना है पीना, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, होप्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा, जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको ईजिली आपके नोटिफिकेशन बार में शो हो जाएंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू, बाय बाय।